पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 18 साल लग गए ये समझने में कि राज्य मुंह चलाने से नहीं चलता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को सतना पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज को ये समझने में 18 साल लग गए कि प्रदेश मुंह चलाने से नहीं चलता। आज सुबह मैंने भास्कर में पढ़ा, हेडलाइन न्यूज थी, शिवराज का एक स्टेटमेंट कि भाषण से निवेश नहीं आएगा, 18 साल बाद उनको ये बात मिली। भास्कर की हेडलाइन न्यूज है, मैं नहीं कह रहा, 18 साल बाद शिवराज सिंह को ये बात सूझी कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। हर विषय पर कमलनाथ ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि निवेश भाषणों से नहीं आएगा, उसके लिए उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। उद्योग विश्वास से आते हैं, भाषणों से नहीं। आपका क्या रुख है उस आयोजन को लेकर? देखिए, कोई भी आयोजन हो जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं इन्वेस्टर्स मीट का भी स्वागत करता हूँ और मैं इन्वेस्टर से ये निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आज जो अपना सामान बेचते हैं दक्षिण में, जो तमिलनाडु या केरल में अपना सामान बेचते हैं, ये उत्तर भारत में क्यों अपना उद्योग लगा? निवेश आज आता है विश्वास से, निवेश आता है फेथ से। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहाँ आपका विश्वास होगा। PCC चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों की अपेक्षा निवेश कम आया, निवेश की डिमांड नहीं की जाती, उसके लिए ड्राइव की जाती है। उन्होंने भाजपा नेताओं की अश्लील CD को लेकर कहा, CD तो है लेकिन हम नहीं चाहते कि MP बदनाम हो, इसलिए उसे फ्लोर पर लाने की बजाय जांच के लिए हमने कहा है। 6,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए 2013 से लेकर 2018 में, टोटल FDI जो विदेशी निवेश है जो देश में आया वो 23 लाख करोड़ था। मध्य प्रदेश में कितना आया? 0.3% मध्य प्रदेश में आया। इसका मतलब 30 पैसे 100 करोड़ में से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आया। 2020 और 2022 टोटल विदेशी निवेश जो आया 18.8 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला? 0.3% और 15 पोजीशन में था। ये तो मैं बात कह रहा हूँ, और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाएगा। इस मैंने कोई समिट नहीं किया, मैंने इंदौर में सम्मेलन किया सबको कि मध्य प्रदेश को का एक नया रूप हम इंट्रोड्यूस करें, लोगों को विश्वास हो। ये ताज्जुब की बात आपको नहीं लगती कि जो दक्षिण में जिसको बेचना है अपना सामान, वो उत्तर भारत में अपनी फैक्ट्री लगाता है, जब हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं? आज अपने यहाँ क्यों नहीं आते, अपने यहाँ क्यों नहीं FDI आता? मैं जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मैं सबसे बात करता था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी चीज है, जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की, एक फेथ की, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना पड़ता है। ये तो इन्वेस्टर समिट हुए, पर अगर मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से हुई, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से हुई, मध्य प्रदेश की पहचान नीतियों के अक्रियान्वयन से हुई। औद्योगिक नीति बना लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है, पर उसका क्रियान्वयन तो हो, उसका एग्जीक्यूशन तो हो। अगर सब आते हैं सत्य अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी पॉलिसी है 50 पेज की, पर उसके बाद समाप्त, ये कारण है। मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूँ, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है, और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी थी कि बात की, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।